यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बताया गया कि चिरौड़ी बंथला नहर के पास मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस कर्मियों ने चेक पोस्ट पर रुकने का इशारा दिया, लेकिन उन्होंने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और वहां से भागने लगे। इसी बीच पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया जिसे पकड़ लिया गया। बदमाश की पहचान लोनी के रहने वाले शाहरुख के रूप में हुई, जिस पर करीब एक दर्जन केस दर्ज है। फिलहाल पुलिस बाकी बदमाशों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कई लोग हाथ में लाठी लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इस दौरान महिलाएं भी वहां झगड़ा करती हुई नजर आई। तभी एक आदमी पीछे से लाठी लेकर आया और दूसरे पक्ष पर वार करता दिखा, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कई महिलाएं घायल हुई। आरोप है कि दो पक्षों के बीच रास्ते के विवाद को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हालांकि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी करने लगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में अटल उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई और बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया गया कि प्रतिमा के अनावरण की जानकारी मिलते ही कांग्रेस पार्षद अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान कार्यकर्ता पत्थरबाजी करने लगे, जिससे माहौल खराब हो गया और इलाके में तनाव बढ़ गया, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और जगह जगह कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। वहीं मामले को बढ़ता देख अगले आदेश तक अटल उद्यान को सील कर दिया गया। बिहार के अररिया में बीते दिनों हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार अब तक 30,67,500 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। असल में व्यापारियों से बदमाशों ने 40 लाख रुपए की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पहले ही पुलिस ने 24 लाख रुपए के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राजस्थान के चुरू से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद पेमेंट मांगने पर विवाद खड़ा हो गया और कुछ ही देर में बात मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखाई दिया कि कुछ लोग बाहर से आए और पेट्रोल पंप कर्मचारी के डंडे से जमकर पिटाई की। आरोप है कि पेट्रोल पंप पर दो मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल भरवाने आए थे, जिनसे पेमेंट को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी की बहस हुई थी, लेकिन पेट्रोल पंप पर मौजूद अन्य कर्मचारियों के बीच बचाव करने पर दोनों मोटरसाइकिल सवार वहां से चले गए थे, जिसके कुछ ही देर बाद वहां 2 से 3 मोटरसाइकिल सवार हाथ में लाठी और लोहे की रॉड लेकर पहुंचे और मारपीट करने लगे। हालांकि पुलिस ने आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।